मुरादाबाद के थाना मंझोला पुलिस ने एक ऐसे गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा से अवैध शराब लाकर बिहार में सप्लाई करते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 17.5 लाख रुपए की हरियाणा मार्का शराब भी बरामद की है। गैंग का सरगना फरार बताया जा रहा है। मुरादाबाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कल थाना मंझोला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली रोड 0 पॉइंट पर एक ट्रक में अवैध रूप से हरियाणा मार्का शराब ले जाई जा रही है। जिस सूचना पर मंझोला पुलिस ने छापा मारते हुए मौके पर एक ट्रक से भारी मात्रा में छिपाकर लाई जा रही शराब का जखीरा बरामद किया। शराब पाइप और दूसरे सामान के नीचे छिपाकर रखी थी। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में शहबाज और शाने आलम है। पुलिस के अनुसार उस गैंग का सरगना सहित 3 आरोपी अभी फरार है। पुलिस के इस गुड वर्क का खुलासा करते हुए सीओ सिविल लाइन ने बताया कि शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के तरीके से लगता है कि ये काफी समय से शराब बिहार में सप्लाई करते आ रहे हैं। जब तक इनका सरगना नहीं पकड़ा जाता कुछ भी कहना संभव नहीं है। कल रात में जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत चेकिंग अभियान जारी था। 0 पॉइंट पाकौड़ा पे मुखबिरों की सूचना पे खबर मिली कि एक ट्रक है जिसमें परचून और कुछ पाइप के सामान और मेडिकल के सामान रखे हुए, उसके अंदर जो है हरियाणा मार्का की शराब जो है तस्करी करके जो है उसको ले जाया जा रहा है। फिर जो हमारी टीम थी थाने की टीम, और इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए उस ट्रक को रुकवाया, और ट्रक को रुकवा करके जब उसमें उसका सामान रिलोड किया गया, निकाला गया उसमें से, तो उसमें जो है हरियाणा के पौवे मिले, 437 पेटी जो है पौवे थे, तो मतलब पेटियाँ थी, जिसमें लगभग 21,800 के आसपास जो पौवे भरे हुए थे, इसकी कीमत लगभग जो है 17,48,000 के आसपास बैठती है। तो इसको पकड़ा गया और जब इसमें पूछताछ की गई तो जो ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम था शाने आलम और सावेज, दो व्यक्ति इसमें थे, और ये लोग काम करते थे एहसान नईम और वाहिद नाम के व्यक्तियों के लिए। इनका कहना था कि लोग हरियाणा से शराब को इस तरह से छुपा करके लेके जाते हैं और बिहार में तो जहाँ पर शराबबंदी है तो लीगली शराब वहाँ बिकती नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह के सामानों में छुपा करके लोग वहाँ पर ले जाकर शराब भेजा करते थे। लगभग कितना टाइम से लोग ताजे कर रहे थे कुछ अभी तक जो इनसे पूछताछ किया गया तो इनका कहना है कि हमने पहली बार ऐसा किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ये शराब के मुझे लगता है कि व्यस्त होंगे इस तरह के काम करने के लिए। लोग इसे पूछताछ की गई अच्छे से, बाकी जो इनका जो सरगना है एहसान और नईम, जब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे तब तक पूरा खुलासा नहीं होगा। आपराधिक इतिहास इनका, इन दोनों का अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है जो अभी तक जो पकड़े गए हैं। बाकी लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनका जो है पूछताछ देखा जाएगा। पूछताछ में पता चला कहाँ से ला रहे थे लोग, ये हरियाणा से लाते हैं लोग, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं बता पाया। इन्होंने कहा कि हमको मिले थे और बताया यहाँ से सामान लेना है, वहाँ से हम सामान उठाए, और कुछ तो माल इनको पहले से रखा रखा मिला था, उसी को ये जो है ट्रक में बाकी माल इन्होंने दूसरी जगह से रखा, और ये जो दारू सी पहले से रखी हुई थी, और उसको फिर को बताया गया कि इसको छुपा के लेके जाना है कहीं किसी मगर जरूरत पर टोल को अवॉइड करना, और पुलिस दिखे तो जो है उसको अवॉइड करके लेके जाना। सर पुलिस पूछताछ में कितने सदस्य इसमें लिप पाए गए हैं? लगभग 5 लोग, 3 जो है नामजद फरार है, नईम, एहसान और वाहिद, 2 पकड़े गए। दोनों की एजुकेशन क्या है? एजुकेशन यार ऐसे ही है, हाई स्कूल पास, 10 पास। ठीक।